أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरी क्लास में मैथमेटिक्स में एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन सीखेंगे, ऐड कैसे किया जाता है, जमा कैसे किया जाता है। यहाँ मैंने तीन डिजिट वाला एक रकम लिखा है, एक नंबर लिखा है 234, 234। मैंने इसको ऐड किया यहाँ 112, 112। तो सबसे पहले हम इसका जो राइट साइड देखेंगे वो फोर है, इसका ये वनज़ वाला है, इस वनज़ वाले को हम इस वनज़ वाले के साथ ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ किया है 4 + 2 = 6, 4 + 2, 4 को हम अगर 2 और जमा करेंगे, हमारे पास 4 रुपये हैं, हमें 2 रुपये और मिल गए, हम ये कहेंगे कि हमें 6 रुपये मिल गए। इस तरह मैंने यहाँ टेनज़ वाला लिखा है 3 + 1 = 4, 100 वाला 2 + 1 = 3। तो हम यहाँ आसानी से तीन डिजिट वाले नंबरों को तीन डिजिट वाले नंबरों के साथ ऐड कर सकते हैं। दूसरी मिसाल 164 को ऐड मैंने किया है 321। यहाँ वनज़ के नीचे वनज़ है, टेनज़ के नीचे टेनज़ है और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स है, तो हम इनको ऐड करेंगे 4 + 1 = 5, 6 + 2 = 8, 1 + 3 = 4। 164 को जब हम ऐड करेंगे 321, वो 486 के बराबर होगा। यहाँ मैंने एक और नंबर लिखा है तीन डिजिट वाला 192, 102, 100। तो मैंने यहाँ 2 + 2 = 4 किया है, 9 + 0 = 9 के बराबर है, 1 + 1 = 2। तो 192 को हम 102 जब ऐड करेंगे 294 के बराबर आता है। इस तरह एक मिसाल और यहाँ है 421 को मैंने ऐड किया 124, 1 + 4 = 5, 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5। एक और मिसाल 112 + 211, तो मैंने यहाँ 2 + 1 किया 3 के बराबर है, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3। लास्ट मिसाल 1 + 1 = 2, 4 + 2 = 6, 1 + 2 = 3। इस तरह हम आसानी से तीन डिजिट वाले नंबरों को आपस में ऐड कर सकते हैं। बाकी वसलाम।